कर कर्मियों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, छोटी पुलिस कर्मियों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, परिवार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, या को इंसाफ दो, इंसाफ आगे ना होगा। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो एक गौरी कांड हत्याकांड हुआ है जिसमें चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है दलित परिवार की, जिस पर कि पुलिस प्रशासन इस तरीके से निर्दयी हो सकता है, ये हम लोगों को आज देखने को मिला है। ये तीन FIR हैं जिसमें से कि पुलिस ने दबाव तक बनाया इस पर हमारे पीड़ित परिवार को कि जो है इस पर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करिए। पुलिस कौन होती है कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए, उसका काम है FIR लिखना। उन्होंने FIR नहीं लिखी और सिर्फ मात्र आधे घंटे का है, उन्होंने क्रॉस FIR लिखी आधे घंटे का अंतर, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन इतना ढीला है जिसकी वजह से ये गौरी हत्याकांड हुआ। एक बच्ची का बलात्कार हुआ जिसमें चार लोगों की पुष्टि की गई है और ये बहुत ही निर्मम घटना है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए और जो 14 आरोपी इसमें पकड़े गए उन पर अच्छी तरीके से जांच हो, उनको किसी को भी छोड़ा ना जाए। और दूसरी बात, जो हमारे पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग इसमें लिप्त हैं, जो सस्पेंड हुए हैं या जो बचे हैं, उनको भी यहाँ से जेल भेजा जाए, यही हम लोगों की मांग है। दो दिन पहले पापामो विधानसभा में एक दलित परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की कर दी गई, क्योंकि बच्ची पढ़ना चाहती थी, कुछ आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उनका कुछ पारिवारिक मतभेद होने लगा, उनके पड़ोस के रहने वाले लोग जो उच्च जाति के आते हैं उनके साथ 2 साल से विवाद चल रहा था और इन विवादों में 3-4 बार घटनाएं हो चुकी, 2 बार FIR भी हुई है, लेकिन पुलिस ने हमेशा जो दलित परिवार है उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश किया कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आज जब दलित परिवार बार बार गुहार लगाता रहा कि क्या हम लोगों की हत्या हो जाएगी तब हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, और वही हुआ कि पीड़ित परिवार को एक दिन मार दिया गया। आज हम लोग इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस दलित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, जो जिन लोगों ने दलित परिवारों का साथ नहीं दिया, न्याय का साथ नहीं दिया, उनको जेल भेजना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं जिन्होंने हत्या की है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके जल्द से जल्द उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए।